ओ सीता राम जी की प्यारी रज धानी लागे रज धानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की ओहो धन्य कोशला धन्य सुमित्रा धन्त के आंगन खेले चारों भैया मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे प्रभु की बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रज ओहो छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे आनंद प्राप्त करते सब श्री हरि रस को पीकर तुम फिकर पड़ी क्या उनको जिनके सीता राम सिया महारानी लागे महारानी लागे लागे ओ सीता राम जी की प्यारी रज धानी लागे रज धानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे तो सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता मोचन तुम्हें प्रणाम जय 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 रघुनंदन जय सिया धाम जय रघुनंदन ओ जय रघुनंदन जय सिया राम मन सरयू अयोध्या तीर चलो मन ओ चलो मन सरयू अयोध्या तीर चलो मन ओ सरयू तीर राम चरण रज सरयू शीतल होत शरीर शीतल होत शरीर चलो मन सरयू अयोध्या सरयू अयोध्या बोलो सरयू मैया की सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीरे आज खेले सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ
अगुआ ओ सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ आज खेले तरंग संग खेले रघुनंदन ओ ए हो रघुनंदन बबुआ आ सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीरे आज खेले मन की राम लखन चारों तरफ चार दीपक जल चारों तरफ चार दीपक जल तू है हम जानी राम जी के आरती जय बोलो हनुमान की हम जानी राम जी के आरती राम लखन सिया जानकी भगवान राम एक शख्स के लिए क्या है भगवान राम इंसानों के लिए क्या है मानवता के लिए क्या है सरयू नदी के तट पर संतों के बीच पर बैठकर संतों के मध्य में बैठकर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिरकार भगवान राम का उनके जीवन में महत्व क्या है। देखिए ये सरयू नदी के तट पर न्यूज 18 इंडिया यह खास यह जो पेशकश कर रहा है आपके सामने यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है आखिरकार भगवान राम के लिए उनके जीवन में क्या महत्व है और क्या उनके लिए भगवान राम है। साध्वी ऋचा मिश्रा है हमारे साथ और अन्य संत हैं अयोध्या से वो हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे बात करते हैं। साध्वी जी न्यूज 18 इंडिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे हम सरयू नदी के तट पर हम बैठे हैं भगवान राम हमारे लिए क्या है। सबसे पहले हमें जितने भी दर्शक सुन रहे हैं सभी को सरयू के तट से भगवान अयोध्या की धरती से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की धरती से सभी को मेरा जय सियाराम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अद्भुत जीवन है राम हम सबके प्राण है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का महत्व जितना भी कहा जाए वो कम है और मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राघवेंद्र कई लोग पूछते हैं हम लोगों से कि राम जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है हम क्यों राम कथा सुने राम जी से जुड़े और विद्यालय जाएगा लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा पायलट बनेगा और राम से जुड़ करके क्या। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी से राम से कोई जुड़े वो डॉक्टर बने या ना बने इंजीनियर बने या ना बने पायलट बने या ना बने एक्टर बने या ना बने उसका कैरेक्टर जरूर बन जाता है और जीवन में यदि राम जैसा चरित्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा लोक तो सुधरता ही सुधरता है हमारा लोक परलोक दोनों ही बन जाता है। तो राम की जितनी भी महत्ता कही जाए वो कम है। राम जैसा बेटा के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं राम जैसा बेटा नहीं और अभी तो हम सबको बस प्रतीक्षा है एक दिवाली तो हम लोगों ने अभी पहले मना ली है अब हम सबको बस एक ही प्रतीक्षा है कि हमारे रामलला जो बरसों की प्रतीक्षा थी हम सभी सनातनियों की वो अब पूरी होने को आ गई है। तो हम सभी एक ही मांग मांगते हैं कि हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं लौटे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम अवध में आए राजा राम झूमे नाचे खुशियां मनाए मिलके हम सब जोली हो मिलके सब हम जोली स्वागत करती दीप जला के सारी अवध की टोली हो सारी अवध की टोली भूल
हर पल आज की शाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। बोलो हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं, हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं, लौटे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। अवध में राजा राम आए हैं और साध्वी ऋचा मिश्रा से ये सुंदर हमने कल्पना सुनी है। अन्य लोग हैं, संत समाज से जुड़े लोग हैं। गुरु जी आप अपना परिचय दें, राम भगवान राम का क्या महत्व है आप इसको बताएं। पकड़ लीजिए। मैं आचार्य पद्मेश अयोध्या जी से हूँ। भगवान श्री राम का महत्व तो वर्णनातीत है। वैसे तो भगवान श्री राम जी का नाम ही है जो हर जगह रमण करते हैं, कण कण में व्याप्त है, और श्री अवध में तो फिर उनका अवतार ही हुआ है। तो हम सभी अयोध्यावासी बहुत भाग्यशाली हैं और आज इस दिव्य दृश्य के हम लोग साक्षी बन रहे हैं। कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि सभी लोग अपने अपने भजनों को जो है श्री राम भजन ऐसा हैशटैग करके। हाँ तो ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग कभी एक पद बनाया था, कौन है वो जो न चाहे अवध आने के लिए, कौन है वो जो न चाहे अवध आने के लिए, क्योंकि थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए, थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए। राम का ये देश है और कण कण में वो ही है रमे, राम का ये देश है कण कण में वो ही है रमे, लेकिन लग गए वर्षों यही सबको बताने के लिए, थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए। और आप लोग की इतनी मधुर रचना सुनकर अब आम जनता क्या कहती है, वो भी हम जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्लीज, भगवान राम आपके लिए क्या महत्व रखते हैं और क्यों ये जरूरी है? भगवान राम के बगैर तो जीवन जीना ही नहीं, जीवन ही अधूरा है। वो नहीं है तो संसार ही नहीं है। उस शक्ति के बारे में, उस परम परमात्मा के बारे में उनका वर्णन करना के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए। राम सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के प्राण हैं। राम के बगैर आज अगर राम ना होते तो भारत क्या सनातन संस्कार विहीन हो जाता। और अगर राम है, पहले जब राम आए थे तो तब भी उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था, फिर से आज 450 वर्ष बाद फिर राम आए हैं, तो ये वाल्मीकि द्वार और जटायु द्वार ये सारा विषय पूरे आज से फिर से पूरे भारत को एक जोड़ने का काम राम ने तब भी किया था और आज भी राम कर रहे हैं। आप, हमने बहुत महिलाओं को अयोध्या में देखा, तो भगवान राम आपके लिए क्या महत्व रखते हैं? राम भगवान तो हम लोगों के ईश्वर हैं। उन लोगों को सभी सब कहना है कि हम लोगों का हमेशा उन लोगों का दर्शन होता रहे। हम सनातनी तो राम से अलग कभी कल्पना नहीं कर सकते। बच्चा तो जन्म लेता है भाई जी, सनातनी अगर सनातनी अगर कोई बालक जन्म लेता है तो राम जन्म, तो राम जन्म के मंगल बधाई होगा अगर हम राम जी से जोड़ देते हैं। अंतिम यात्रा जब होती, चार आदमी कंधे पर लेके जाते हैं तो भी श्री राम जी के नाम से सम्मानित होती यात्रा। कितना बड़ा महत्व है और एक भजन से हम इसको पूरा अंत करना चाहते हैं। हम न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, ये एक न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक भजन के रूप में भगवान राम का आप एक वो करिए भजन। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा घन श्याम सहारा बन, ओ मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे चारों ओर अंधेरा है,
तो देखिए राम सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ। तो न्यूज 18 इंडिया पर ये खास पेशकश आप देख रहे थे कि भगवान राम क्यों महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में भगवान राम का महत्व क्या था। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी जो भगवान राम की जन्मभूमि है वहां से